प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। हमारे एक मित्र हैं मिस्टर प्रदीप, वो प्रदीप टेक्सटाइल के नाम से अपनी एक कपड़े की दुकान चलाते हैं। अभी हाल ही में मेरा जब उनसे मिलना हुआ और मैंने उनसे पूछा कि प्रदीप अभी नया क्या कर रहे हो, तो प्रदीप ने बताया कि सर अभी मैं कपड़े के बैग बनाने का नया काम शुरू किया है और साथ ही साथ कपड़े के फेस मास्क भी बना रहा हूँ और बिजनेस भी अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन इसका हिसाब किताब, इसकी अकाउंटिंग रखने में उन्हें काफ़ी समस्या हो रही है। मैनुअल वो अकाउंटिंग नहीं रख पा रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर इसे किस तरह से हम टैली में मेंटेन कर सकते हैं। प्रदीप बैग बनाने के लिए रॉ मटेरियल सूरत के होलसेल मार्केट से किलोग्राम में परचेस करते हैं और इस रॉ मटेरियल से वो बैग बनाते हैं, फेस मास्क बनाते हैं और उनकी सिलाई या कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन बैग्स पर स्टिकर लगाने का काम अपने लोकल कारीगरों से कराते हैं। क्योंकि प्रदीप की दुकान छोटी है और वहाँ पर वो सभी कारीगरों को बिठाकर बैग नहीं सिलवा सकते, इसलिए वो अलग अलग कारीगरों को रॉ मटेरियल के रूप में कपड़ा इशू करते हैं। ये कपड़ा भी प्रदीप किलोग्राम में अपने सभी कारीगरों को इशू कर देते हैं। कारीगर वापस बैग को सिलकर प्रदीप को पीसेस के रूप में रिटर्न कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है कि प्रदीप जब किलोग्राम में रॉ मटेरियल इशू करते हैं तो कुछ जॉब वर्कर्स, मान लीजिए 10 किलोग्राम में प्रदीप को 50 पीस बनाकर देते हैं, तो कुछ 10 किलोग्राम में 55 से 60 पीस बनाकर देते हैं, तो कुछ 10 किलोग्राम में ही 45 से 52 पीस बनाकर देते हैं। इट मीन्स यहाँ कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है कि 1 किलोग्राम में इतने पीस ही बनेंगे, कभी ज़्यादा भी बन जाते हैं, कभी कम भी बन जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम टैली में किस तरह से सेट करेंगे, इसकी अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे, आज की क्लास में वही हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम पर पीस कॉस्टिंग भी निकालना चाहते हैं कि एक पीस की कॉस्ट प्रदीप को कितनी पड़ने वाली है और प्रदीप को यह भी पता चल जाए कि किस जॉब वर्कर के पास कितना रॉ मटेरियल रखा हुआ है। तो आइए सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस का फ्लो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल परचेज करना होगा, उसके बाद जॉब वर्कर को आइडेंटिफाई करना होगा कि किस जॉब वर्कर को हमें काम देना है, देन हम जॉब वर्क ऑर्डर इशू करेंगे, उसके बाद उस जॉब वर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें रॉ मटेरियल इशू करना होगा, उस रॉ मटेरियल से जॉब वर्कर फिनिश गुड्स तैयार करेगा जिसे हम रिसीव करेंगे, उसके बाद जॉब वर्कर का जो लेबर चार्जेस होगा वो जॉब वर्कर को हम पे करेंगे। इस तरह से एक जॉब ऑर्डर हमारा कंप्लीट होगा। दोस्तों मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों की प्रॉब्लम आज सॉल्व होने वाली है। प्रदीप तो एक जस्ट एग्जांपल है, आप इस पूरे प्रोसेस को समझते हुए अपने बिजनेस में भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं टैली में और प्रैक्टिकली इस पूरे बैग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको ये जो पूरा प्रोसेस है उसे अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना है। आप पेपर और पेन निकाल लीजिए और स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोसेस को नोट करते चलिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप चुकेंगे तो ये पूरा प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले हमें टैली में एक नई कंपनी क्रिएट कर लेनी है और उसके बाद गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए F11 प्रेस करना है। F11 में आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री फीचर्स। आप इन्वेंट्री फीचर्स में जाइएगा और यहाँ पर आपको मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस, इस ऑप्शन को यस कर देना है। उसके बाद नीचे की तरफ ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपको मिलेगा इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, इस ऑप्शन को भी आपको यस कर देना है। देन फिर अदर्स फीचर्स में जाते हुए आपको नीचे की तरफ यूज मटेरियल इन एंड आउट वाउचर्स, इस ऑप्शन को भी यस करना है। और इसके नीचे ही एक ऑप्शन और दिया गया है यूज कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम की कॉस्ट निकालने के लिए हमें इस ऑप्शन को भी यस करना है। तो कुल मिलाकर हमें चार ऑप्शन यहाँ पर यस करने होंगे। फर्स्ट मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस, सेकंड इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, थर्ड यूज मटेरियल इन एंड आउट वाउचर्स और फोर्थ यूज कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम। इन चारों ऑप्शन को एक्टिवेट करने के बाद हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं जो मैंने यहाँ आपके लिए पहले से तैयार कर रखे हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, सूरत से हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, कपड़े खरीदते हैं जो हमारे बैग्स बनाने के लिए काम आता है, तो उसका लेजर हमें सैंडी क्रेडिटर ग्रुप में क्रिएट कर लेना है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को यस रखना है। देन फिर जितने भी हमारे जॉब वर्कर हैं, जो हमारे कारीगर हैं, उनके हमें अलग अलग लेजर्स क्रिएट करने हैं। जैसे यहाँ मैंने क्रिएट किया है मोहन जॉब वर्कर, उन्हें भी हमें सैंडी क्रेडिटर ग्रुप में ही रखना है। इस तरह से आपके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका आप अलग अलग क्रेडिटर के रूप में लेजर क्रिएट कर लीजिएगा। इसके अलावा जब जॉब वर्कर हमें
बिल इशू करेंगे, अपने लेबर चार्जेस का बिल वो हमें देंगे, तो उसके लिए हमें एक अलग से लेजर क्रिएट करना है, जॉब एक्सपेंसेस या लेबर चार्जेस जैसा भी आप बनाना चाहें, और इसे हमें रखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और चूंकि हमें अपने फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट में इस जॉब एक्सपेंसेस कॉस्ट को भी इंक्लूड करना है, इसके लिए यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा, अलाउ कॉस्ट एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम्स। इस ऑप्शन को आपको यहाँ पर यस रखना है। ऐसे सभी लेजर्स जिन्हें आप कॉस्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं उनके लिए आपको कॉस्ट एलोकेशन वाले इस ऑप्शन को यस रखना होगा। लेजर्स क्रिएट करने के बाद हमें इन्वेंट्री इन्फो में चलना है। इन्वेंट्री इन्फो में सबसे पहले आप गोडाउन क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो हमें गोडाउन क्रिएट करने हैं, पहला गोडाउन हम बनाएंगे रॉ मटेरियल के लिए। इसमें जो भी हम गुड्स परचेस करके ला रहे हैं सूरत से, उसे हम यहाँ पर स्टोर करने वाले हैं, और नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं उन्हें आपको नो ही रहने देना है। उसके बाद अगला जो हमारा गोडाउन हमें क्रिएट करना है वो जॉब वर्कर के लिए होगा। हमारे जितने भी जॉब वर्कर्स हैं उन सब के नाम से भी आप बना सकते हैं, मोहन जॉब वर्कर, प्रिया जॉब वर्कर, जितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनके नाम से आप यहाँ पर गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ बनाया है जॉब वर्कर गोडाउन, ये वो गोडाउन होगा जिसमें हम अपने कारीगर को मटेरियल इशू कर रहे हैं, और जब हम उन्हें देखना चाहते हैं कि किस कारीगर के पास कितना मटेरियल स्टोर है तो वो हम इस गोडाउन की रिपोर्ट के माध्यम से देख पाएंगे। दोस्तों जब आप इसे क्रिएट करें तो लास्ट में एक ऑप्शन दिया गया है, आर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी, इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिएगा। थर्ड आपको जो गोडाउन बनाना है वो फिनिश गुड्स के लिए होगा, फिनिश गुड्स गोडाउन। यहाँ पर जो भी फिनिश गुड्स तैयार होगा उसे हम स्टोर करेंगे, लेकिन इस वाले गोडाउन में आपको लास्ट में जो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं इन्हें यस नहीं करना है, सिंपल इसे सेव कर लेना है। जैसा कि आपको पता है जब हम टैली में गोडाउन एक्टिवेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट टैली एक गोडाउन मेन लोकेशन के नाम से क्रिएट कर देता है। आप चाहें तो इसे भी ऑल्टर कर सकते हैं, आप इसे भी किसी भी जॉब वर्कर के नाम से गोडाउन बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ मोहन जॉब वर्कर। और लास्ट में जब भी हम गोडाउन बनाएंगे जॉब वर्कर के लिए तो आर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी, इस ऑप्शन को यस रखेंगे। गोडाउन को क्रिएट कर लेने के बाद हमें स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने हैं। स्टॉक ग्रुप में पहला मैंने स्टॉक ग्रुप बनाया है रॉ मटेरियल के लिए, और लास्ट में जो ऑप्शन होता है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिड, इसे हमें यस रखना है। इसी तरह से एक और स्टॉक ग्रुप मैंने बनाया है फिनिश गुड्स, इसमें भी शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिड, इसे हमें यस रखना है। स्टॉक ग्रुप के बाद हमें क्रिएट करने हैं स्टॉक आइटम्स। दोस्तों यहाँ मैं एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें हमारा रॉ मटेरियल क्लोथ है और उसे हम फिनिश गुड्स बैग के रूप में तैयार करने वाले हैं। यदि आपके पास रॉ मटेरियल्स बहुत सारे हैं तो आप अलग अलग स्टॉक आइटम्स उनके आधार पर क्रिएट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में मैं क्लोथ को रॉ मटेरियल मान रहा हूँ, इसका जो ग्रुप है वो मैंने रॉ मटेरियल लिया है, इसकी यूनिट मैंने किलोग्राम्स में ली है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, ये हमारा रॉ मटेरियल है, इसके ऊपर हमें कॉस्ट ट्रैक नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर इस ऑप्शन को आप नो रखिएगा। जो हमारा फिनिश गुड्स है बेक्स, उसे हमें फिनिश गुड्स ग्रुप में रखना है, इसकी यूनिट जो है वो पीसेस रहेगी। और इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, ये जो फिनिश गुड्स बनेगा उसकी कॉस्ट ट्रैकिंग हमें करनी है, इसलिए इस ऑप्शन को हम यहाँ पर यस रखेंगे। तो इस तरह से हमने स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिए हैं, हमारे लेजर्स भी तैयार हैं, अब हमें एंट्रीज पोस्ट करनी है। दोस्तों एंट्रीज पोस्ट करने से पहले अभी हमें दो और ऑप्शन सेट करने हैं, और उसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए जाना है इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में आपको मिलेगा वाउचर टाइप्स, वाउचर टाइप्स में ऑल्टर, और ऑल्टर के अंदर सबसे पहले मटेरियल आउट। मटेरियल आउट जो वाउचर है उसमें जब आप जाएंगे तो लास्ट में आपको दो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे, पहला ऑप्शन यूज फॉर जॉब वर्क, इस ऑप्शन को आप यस रखिएगा, और दूसरा ऑप्शन यूज फॉर जॉब वर्क इन, इस ऑप्शन को मटेरियल आउट वाउचर के लिए आप नो रखिएगा। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन हमें सेट करना है मटेरियल इन वाउचर के लिए। मटेरियल इन में भी लास्ट में आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें फर्स्ट ऑप्शन यूज फॉर जॉब वर्क, इसे आप यस रखिएगा, सेकेंड यूज फॉर जॉब वर्क इन, इस ऑप्शन को आपको नो रखना है, और थर्ड अलाउ कंजप्शन, इस ऑप्शन को आपको यस रखना है। ये सारे ऑप्शंस सेट करने के बाद हमें वाउचर एंट्रीज पोस्ट करनी है। दोस्तों बैग बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपना रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो इसकी एंट्री में परचेस वाउचर में पोस्ट कर रहा हूँ, क्लोथ के रूप में रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर नेम ऑफ आइटम क्लोथ लिया, टैली ने मुझसे पूछा कि आप रॉ मटेरियल परचेस करके किस गोडाउन में रखने वाले हैं, तो यहाँ हमें रॉ मटेरियल गोडाउन का यूज करना है। मान लीजिए 100 किलोग्राम कपड़ा हमने फर्स्ट टाइम पर परचेस किया ₹100 पर केजी के हिसाब से। अब आप जब इस एंट्री को सेव कर लेंगे और स्टॉक समरी में देखेंगे तो अभी स्टॉक समरी के अंदर रॉ मटेरियल के रूप में 100 किलोग्राम कपड़ा अभी हमारे पास उपलब्ध है। अब दोस्तों
हम इस कपड़े से बैग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने जॉब वर्कर को, अपने कारीगर को ऑर्डर इशू करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली में आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर्स एंड ऑर्डर वाउचर्स। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर वाउचर्स में जाना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा जॉब वर्क आउट ऑर्डर। तो आपको जॉब वर्क आउट ऑर्डर वाउचर का यूज़ करते हुए सबसे पहले अपने जॉब वर्कर को एक ऑर्डर इशू करना है। यहाँ पर मैं मोहन जॉब वर्कर ले लेता हूँ। जैसे आप लेजर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस भी डाल सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस, मान लीजिए मैंने 10 डेज डाल लिया है, और नेचर ऑफ प्रोसेसिंग, आप कोई स्पेशल प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, उसे यहाँ डाल सकते हैं। जैसे मैंने सिंपल यहाँ लिख दिया बेग प्रोसेसिंग और इसे सेव कर लिया। देन ऑर्डर नंबर, तो हमने यहाँ डाल दिया बेग M1, उसके बाद नेम ऑफ आइटम, ये जो जॉब वर्कर है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या डिलीवर करने वाला है, इट मीन्स ये हमें बेग वापस रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ पर हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट का नाम लेना है, फिनिश्ड गुड्स का नाम लेना है, बेग। उसके बाद आपको आइटम एलोकेशन स्क्रीन दिखाई देगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर ड्यू ऑन दिखाई दे रहा है, ये जो जॉब ऑर्डर आप इशू कर रहे हैं वो कितने दिन में कंप्लीट होने वाला है, वो आप डेट भी डाल सकते हैं और डेज भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 10 डेज डाल दिया है। देन फिर आपको गोडाउन सेलेक्ट करना है, वो गोडाउन जिसमें फिनिश गुड्स आप रिसीव करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर लेना है फिनिश गुड्स गोडाउन, कितनी क्वांटिटी वो हमें रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ मैंने ले लिया है 50 पीसेस। देन जैसे हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने कंपोनेंट लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें हमें बताना होगा कि बैग बनाने के लिए हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल का यूज़ करना है। दोस्तों जनरली इसके लिए हम BOM का यूज़ करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल, लेकिन यहाँ मैंने उसका यूज़ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर जो आइटम हमें रिसीव होने वाले हैं फिनिश गुड्स के रूप में, उनकी क्वांटिटी फिक्स नहीं है। कभी वो 50 पीसेज देता है, कभी वो 80 पीसेज दे देता है, कभी वो 60, 70, कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है। यदि फॉर्मूला फिक्स होता तो हम यहाँ पर टेली में BOM का यूज़ करते हुए भी इसे क्रिएट कर सकते थे, और यदि हम BOM का यूज़ करते तो यहाँ पर हमें इस तरह से कंपोनेंट की लिस्ट को फिल करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस एग्जांपल में हमारा जो रॉ मटेरियल है वो क्लॉथ है। जैसे हमने क्लॉथ को सेलेक्ट किया, यहाँ फिर से दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, पेंडिंग टू इशू और पेंडिंग टू रिसीव। अभी ये जो रॉ मटेरियल है उसे इशू करना बाकी है, इसलिए आप पेंडिंग टू इशू वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। किस गोडाउन से आप इशू करने वाले हैं, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल रखा हुआ है वो हमारे रॉ मटेरियल गोडाउन में रखा हुआ है, तो उस गोडाउन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी हम 10 kg उसे इशू करने वाले हैं, जिसकी कॉस्ट हमारे लिए 100 rupees पर kg थी, और उसके बाद आप इस स्क्रीन को सेव कर लीजिएगा। दोस्तों उसके बाद टेली हमें पूछता है कि ये जो 50 पीसेज हैं उसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ने वाली है। तो अभी हमने मोहन जॉब वर्कर को 10 kg क्लोथ इशू किया है और उसकी हमारे लिए कॉस्ट थी 1000 rupees। तो यहाँ पर 1000 rupees में वो हमें 50 पीस बनाकर दे रहा है, इसका मतलब पर पीस हमारे लिए 20 rupees का कॉस्ट आने वाला है। तो वो कॉस्ट हमें यहाँ पर इनपुट करनी होगी, 20 rupees पर पीस। उसके बाद आपको कॉस्ट ट्रैकिंग इनेबल करनी है, और कॉस्ट ट्रैकिंग के लिए आप नया नंबर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कॉस्ट बेग M1, और इस स्क्रीन को आप सेव कर लीजिएगा। अभी दोस्तों हमने कोई मेटेरियल उसे इश्यू नहीं किया है, केवल हमने जॉब वर्क आउट का एक ऑर्डर इशू किया है। अगर आप इसका प्रिंटआउट लेना चाहें तो उसके लिए आप ऑल्ट पी प्रेस कीजिएगा, और इसका प्रिंटआउट भी आप निकाल सकते हैं और फाइल कर सकते हैं। जॉब वर्क आउट ऑर्डर को इशू करने के बाद यदि आप फिर से अपना स्टॉक समरी देखेंगे, तो अभी आपको यहाँ पर कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। रॉ मटेरियल अभी भी हमारे पास 100 किलोग्राम रखा हुआ है। जॉब वर्क आउट के बाद हमें जॉब वर्कर को मटेरियल इशू करना है, और मटेरियल इशू करने के लिए हमें जाना है इन्वेंट्री वाउचर्स में। इन्वेंट्री वाउचर्स में जाने के बाद आप प्रेस कीजिएगा Ctrl+J। Ctrl+J जो है वो मटेरियल आउट के लिए शॉर्टकट की है, तो इससे आपकी स्क्रीन पर एक नया वाउचर ओपन हो जाएगा मटेरियल आउट। जब भी आपको रॉ मटेरियल इशू करना हो तो उसके लिए आपको इस वाउचर का यूज़ करना है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ रेफरेंस नंबर 1 पार्टी, पार्टी मीन्स हमारा जो जॉब वर्कर है मोहन जॉब वर्कर, इसका हम यूज़ करेंगे। जैसे ही आप इस लेजर को सेलेक्ट करेंगे, टैली आपको लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स को डिस्प्ले करेगा। यहाँ से आप ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे तो सारी डिटेल उस ऑर्डर से संबंधित इस वाउचर में प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद टेली हमें पूछता है डेस्टिनेशन गोडाउन, किस गोडाउन में आप ये मटेरियल इशू करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें यूज़ करना है जॉब वर्कर का गोडाउन। आपने जिस भी नाम से जॉब वर्कर का गोडाउन बना रखा है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ जॉब वर्कर गोडाउन। उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे सारी डिटेल आपके सामने है, और इस एंट्री को इस तरह से आपको सेव कर देना है। अब आपने यहाँ पर मटेरियल को इशू कर दिया है, इट मीन्स हमारे स्टॉक समरी में इसका इफेक्ट आना चाहिए। पर जब आप स्टॉक समरी में जाते हैं तो फिर से आपको यहाँ पर 100 किलोग्राम ही दिखाई देता है, यहाँ पर और कोई इफेक्ट अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यदि आप F9 प्रेस करते हुए
गोडाउन समरी में जाएंगे तो गोडाउन समरी में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। F9 प्रेस कीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन गोडाउन समरी, आप यहाँ देखेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर होगी। हमारा जो रॉ मटेरियल है वो 90 किलोग्राम्स है जो कि हमारे पास रखा हुआ है, और हमारा जो जॉब वर्कर है उसके पास 10 किलोग्राम क्लोथ रॉ मटेरियल के रूप में रखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में जॉब वर्कर के द्वारा जब वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को तैयार कर देगा तो उसे हमें गुड्स रिसीव होंगे। तो जब भी आपको गुड्स रिसीव होंगे तो आपको फिर से इन्वेंट्री वाउचर में जाना है। मटेरियल इशू करने के लिए हमने मटेरियल आउट वाउचर का यूज़ किया था, और जब भी आपको फिनिश गुड्स के रूप में मटेरियल प्राप्त होगा तो उसके लिए आपको कंट्रोल W प्रेस करना है, और यहाँ आपको यूज़ करना है मटेरियल इन वाउचर का। फिर से रेफरेंस नंबर, पार्टी अकाउंट नेम में हमें जॉब वर्कर का नाम सेलेक्ट करना है, मोहन जॉब वर्कर। यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स आपको दिखाई देंगी, उन्हें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब जो मटेरियल आप रिसीव करेंगे आप उसे किस गोडाउन में रखने वाले हैं, यहाँ मैंने क्रिएट किया है फिनिश गुड्स गोडाउन। देन जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो सारी डिटेल आपके सामने आएगी, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, कॉस्ट ट्रैकिंग यहाँ पर आपको यूज़ करनी है। तो कॉस्ट ट्रैकिंग के लिए हमने एक रेफरेंस दिया था कॉस्ट बैग M1, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इस एंट्री को भी आपको सेव कर देना है। जैसे आप इस एंट्री को सेव करेंगे और सेव करने के बाद स्टॉक समरी देखेंगे तो यहाँ आपको फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल दोनों की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और फिनिश गुड्स अब कंज्यूम हो चुका है, 90 किलोग्राम दिखाई दे रहा है, 10 kg हमने अपने जॉब वर्कर को इशू किया था, और फिनिश गुड्स के रूप में हमें 50 पीसेस यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। दोस्तों इसके बाद जॉब वर्कर के द्वारा अपने लेबर चार्जेस का बिल हमें मिलेगा, और उसकी एंट्री हमें पोस्ट करनी है अपने परचेज वाउचर में। जी हाँ दोस्तों, कॉस्ट ट्रैकिंग हम करना चाहते हैं उसके लिए हमें परचेज वाउचर में लेबर एक्सपेंस की एंट्रीज पास करनी चाहिए, लेकिन ये एक सर्विस रिलेटेड एंट्री है इसलिए हमें ये एंट्री अकाउंटिंग इनवॉइस में पास करनी है। और ये जो आपको इनवॉइस फॉर्मेट दिखाई दे रहा है ये अभी आइटम इनवॉइस है, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा अकाउंटिंग इनवॉइस में, और उसके लिए आपको प्रेस करना है ओल्ड के साथ आई। देन आप रेफरेंस नंबर डाल दीजिएगा, पार्टी अकाउंट नेम में आपको जॉब वर्कर का लेजर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जॉब वर्क एक्सपेंसेस, जो लेजर हमने पहले क्रिएट किया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, उसका आप यहां पर यूज कीजिएगा। लेबर चार्जेस का जितना भी बिल आ रहा है, मान लीजिए उसने 50 पीस तैयार की हैं और उसने बोला है कि उसके लिए उसे 500 रुपये चाहिए, तो आप यहां पर जितना बिल अमाउंट हो वो डालिएगा। और उसके बाद कॉस्ट ट्रैकिंग के लिए आप ट्रैकिंग नंबर को सेलेक्ट कीजिएगा, जो आइटम नेम है फिनिश प्रोडक्ट, जिसकी कॉस्ट आप ट्रैक करना चाहते हैं वो हमारे यहाँ पर बैग है, और क्वांटिटी है 50 नॉर्म्स। तो 50 पीस तैयार करने के लिए उसको 500 रुपये चाहिए, इसका मतलब पर पीस हमारे लिए जो कॉस्ट पड़ रही है वो 10 रुपये पड़ रही है। अब ये एंट्री पास करने के बाद जब आप फिर से अपनी स्टॉक समरी में जाएंगे और स्टॉक समरी में देखेंगे, अभी यहाँ पर 50 पीस का जो कॉस्ट आ रहा है वो 20 रुपीज पर पीस के रूप में यहाँ पर शो हो रहा है, जबकि लेबर चार्जेस जो थे 10 रुपये पर पीस के हिसाब से और इंक्लूड यहाँ पर हो जाना चाहिए, और यहाँ पर शो होना चाहिए 30 रुपीज पर पीस। पर दोस्तों अभी वो इफेक्ट हमें यहाँ पर स्टॉक समरी में शो नहीं होता है। यदि आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपको परचेज अलग दिखाई देगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग दिखाई देगा, हम पर पीस कॉस्ट यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि आप किसी भी स्टॉक आइटम की पर पीस कॉस्ट ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टेली में से ही डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आपको ऑप्शन दिखाई देगा आइटम कॉस्ट एनालिसिस, यहाँ आप ग्रुप वाइज कॉस्ट एनालिसिस देख सकते हैं या स्टॉक आइटम वाइज भी कॉस्ट एनालिसिस को देख सकते हैं। हम यहाँ पर जो फिनिश प्रोडक्ट है हमारा बेक्स, उसका कॉस्ट एनालिसिस देखना चाहते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमारा जो कॉस्ट एक्सपेंसेस है 50 पीसेस पर, वो टेली अब हमें 30 रुपीज यहाँ पर शो कर रहा है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर रेवेन्यू और बैलेंस और प्रॉफिट सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती हैं। इस पर्टिकुलर आइटम को सेल करने पर हमें कितना रेवेन्यू हुआ, इनकम कितना हुआ और प्रॉफिट कितना हुआ, वो भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता है। इसके लिए यदि आप कहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो तैयार कर दूंगा जहाँ पर हम कॉस्ट एनालिसिस को डिटेल में समझ पाएंगे किस तरह से कॉस्ट एनालिसिस होती है। लेकिन आज का जो हमारा प्रॉब्लम था, आज का जो मेरा उपदेश था, वो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि आप इस तरह से कॉस्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं, और अलग अलग जॉब वर्कर से जो अलग अलग नंबर ऑफ पीसेस हमें फिनिश गुड्स के रूप में मिलते हैं, कभी 50 कभी 60, तो उनको भी आप यहाँ पर इंक्लूड करते हुए अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों इस पूरे वीडियो में मैंने कहीं पर भी ना तो GST का यूज़ किया है और ना ही BOM ऑप्शन का यूज़ किया है। यदि आप GST के साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझना चाहते हैं, यदि आप उसमें BOM भी यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे 2 वीडियोस आप और देख लीजिएगा, जॉब वर्क इन और जॉब वर्क आउट के लिए। उसमें आपको पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि किस तरह से हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में GST यूज़ करना होता है और किस तरह से हमें BOM का यूज़ करते हुए एंट्रीज को बुक्स में पास करना होता है।
दोस्तों, यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप टैली जीएसटी कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर टैली जीएसटी कोर्स इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको करियर प्लैनेट की एंड्रॉयड ऐप दिखाई देगी। उसे आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।